हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अजीत अगरिया है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आज का हमारा चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा जो है स्टॉप लॉस जो है हंटिंग मार्केट था। अगर जिन्होंने कैप्चर किया होगा तो उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, जिन्होंने कैप्चर नहीं कर पाया होगा तो वो जो है आज यहाँ पे लॉस में रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि कल जो मैंने आज वीडियो मैंने एक अपलोड किया है, उसको जाके देख लीजिए कि लाइन जो ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ड्रॉ जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट को एक अच्छा खासा आप मोमेंटम जो है कैप्चर करते हुए देखोगे, एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देते हुए देखोगे। ठीक है, तो मार्केट जरूर जो है यहाँ पे 17,550 वाले लेवल को और 600 वाले लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर सस्टेन जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाया और नीचे यहाँ पे जो है मार्केट गिर गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो है ये गिरते हुए मार्केट में बिल्कुल भी जो है आज ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जो है मतलब कि जहाँ पे मोमेंटम मिले वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ जरूर, लेकिन मेरा मानना है कि जब जो थर्सडे होता है, जिस दिन एक्सपायरी होता है, उस दिन जो है हमें जो है कभी भी जो है लेट जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम डीके जो है बहुत ही ज़्यादा जो है होने लगता है और हमारा जो जो प्रीमियम है वो फास्ट जो है बढ़ता है। लेकिन अगर आपके गलत डायरेक्शन में अगर जाता है तो बहुत ही जल्दी जो है आपका जो टाइम डीके के कारण जो है आपका लॉस जो है बहुत ही फास्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं ज़्यादा देर तक मतलब कि 1 बजे के बाद शायद ट्रेड नहीं करता हूँ, जिस दिन भी एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो सुबह या तो फिर ट्रेड कर लूंगा या तो फिर 12-1 बजे के ज्यादा ज्यादा 1:30 बजे तक जो है ट्रेड कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे एक रिकॉर्ड है कि मैं अगर 1 बजे के बाद ट्रेड किया हूँ तो मुझे जो है ज्यादातर टाइम पे जो है लॉस ही हुआ है। ठीक है, तो सबको जो है अपना ऐसे ही जो है बता देना चाहिए, ताकि अपना एक एक टाइम जो है जोन जो है फिक्स कर लेना चाहिए कि इतने बजे के बाद ही जो है मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉजिक, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने पिछले वीडियो एक अपलोड पड़ा होगा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है अपना प्रॉफिट, अपना जो लॉस है वो रिकवर करें और प्रॉफिट में कैसे आए। ठीक है, तो आप जाके जरूर देख लीजिए, आपको आई बटन में या तो फिर आपको जो है लास्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ये वाला जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ऊपर जा तो रहा है लेकिन एक रेंज में जो है फंसा हुआ है। आप रेंज कौन सा मैं बताऊं तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर बड़ा करता हूँ तो ये देखिए ये जो है रेंज है। ठीक है, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही जो है घूम रहा है और इसी आज जो है मैंने जो ट्रेड किया है वो मैं आपको आपको मैं बता दूं कि आज जो है मैंने जो ट्रेड किया है वो मार्केट जो है ये वाला लेवल इस लेवल को जो है आज हमने जो है ट्रेड किया है। ठीक है, मैंने जो है इस ग्रीन कैंडल पे जो है एंट्री मारा है इस ग्रीन कैंडल पे, और ये पूरा जो है ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको जो है मैंने कैप्चर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर तो जा रहा है, लेकिन आपको देखने को मिल रहा कि ऊपर से जो है एक रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ पे रिजेक्शन। तो मार्केट जो है ऊपर तो जा रहा है लेकिन रिजेक्शन फेस करते हुए जा रहा है। ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट का गिरने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे यहाँ तक करीब करीब 17,636 तक जो है मार्केट गया, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो है यहाँ पे रेड कैंडल जो है बनाते हुए 4-5 कैंडल में ही जो है मार्केट, इसको चढ़ने में जितना टाइम नहीं लगा ना उससे कम टाइम में जो है मार्केट जो है यहाँ से गिरने में लग गया। जैसे ही मेरा जो ड्रॉ यहाँ पे किया हुआ है इसको मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया है यहाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे गिरना चालू कर दिया। और आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ, ये लगभग 50-60 पॉइंट से कम का जो है यहाँ पे नहीं होगा लेवल। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 60 पॉइंट लगभग लगभग मार्केट गिर गया। और अगर अगर आप अगर मतलब कि आप अगर कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग और लगातार आपको अगर ऐसे कैंडल अगर मिल जाए और आपके फेवर में हो मार्केट, तो आप इजीली जो है 100 का 200 रुपये जो है आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, 100 का 200 रुपये जो है इजीली हो जाता है ऐसे टाइम पे,
क्योंकि मार्केट जो है वन डायरेक्शन में जब भी पकड़ता है तो बायर्स का जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है प्रॉफिट होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे आज के दिन यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ था, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही जो है इस लेवल पे आया नीचे, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इस जगह पे ओपनिंग नहीं देगा, यहाँ पे ओपनिंग भी देता भी है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसको अगर ऊपर जाना है तो मार्केट पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है मार्केट पुल बैक करके ऊपर जाएगा। तो सेम सिचुएशन ऐसा ही बना है, मार्केट यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर नीचे ओपनिंग दिया, फिर मार्केट नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार एकदम जो है दो ही कैंडल में जो है मार्केट ने यहाँ पे अपना 100 पॉइंट जो है यहाँ पे मार्केट ने कैप्चर कर लिया। मार्केट तुरंत ही जो है 100 पॉइंट जो है ऊपर चला गया। तो ऐसे ही जो है मार्केट परफॉर्म करता है हमेशा। और कल तो मार्केट बंद रहेगा, कल जो है गुड फ्राइडे है, हमारे लिए तो गुड फ्राइडे नहीं है कल। मुझे तो लगता है कि 300 दिन अगर मार्केट ओपन हो तो मैं 300 दिन जो है ट्रेड करूँ। मुझे ट्रेड करना जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं चार्ट को अगर देख चार्ट जो है अपना फ्रेंड समझ लो, चार्ट जो है हर चीज़ बताता है। चार्ट के अलावा जो है कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। चार्ट आपको हर एक चीज़ बता देगा कि मार्केट एक्चुअली में जो है जाने कहाँ वाला है, नीचे गिरने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। चार्ट हर चीज़ जो है बता देता है, सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन सब जो होता है वो प्रॉपरली जो है आपको ड्रॉ करना है और देखना है कि कहाँ पे एक्चुअली में जो है हमारा सपोर्ट है, कहाँ एक्चुअली में जो है हमारा रेजिस्टेंट है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने अगर ये परफेक्ट ड्रॉ अगर नहीं किया होता तो मुझे जो है यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चलता कि मार्केट एक्चुअली में जो है जाने कहाँ वाला है, ठीक है। ये सबको हटा देता हूँ यार, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो वापस एक यहाँ पे से हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं और हाँ ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है तो रिटेस्ट का इंतजार कीजिए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ये वाला जो रेड कैंडल है ये वाला जो भी जो है यहाँ पे ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे कोई रिटेस्ट नहीं है। जबकि यहाँ पे मार्केट ने इस वाले रेड कैंडल से ब्रेक किया है और ये ग्रीन कैंडल से जो है यहाँ पे रिटेस्ट लेने के बाद हमारा जो एंट्री लेवल बनता था वो यहाँ पे बन जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दे गया, ठीक है। और पिछला वाला वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट जब भी अपर डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ पे भी जो है मैंने एक आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए मार्केट जो है डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ा हुआ है और कहीं पे भी जो है अपना जो फ्लो है वो यहाँ पे देखिए आपको गिराते हुए नहीं दिख रहा है। और इसी फ्लो में जो है मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा जो है ऊपर चला गया। तो ऐसे ही फ्लो में जो है आपको ट्रेड करना है और जब भी इस लाइन के आसपास मार्केट लेके आए तब आपको जो है यहाँ पे कॉल बाय करना है और अपना टारगेट जो रखना है वो पिछला वाला जो हाई है उतना ही रखना है। इतना नहीं कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो टारगेट रखो एकदम इसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे चलता है, बाकी इतना ज़्यादा जो है ऊपर नीचे नहीं चलता है, ठीक है। तो आज का बस यही था और लाइव वीडियो तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो फिलहाल बस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।